सो हेलो दोस्तों, तो भाई अगर आप दिल्ली के अंदर घूमने की बेस्ट प्लेस देखना चाहते हो तो भाई आपने बिल्कुल सही वीडियो खोली है। तो इस वीडियो में मैं आपको ना बेस्ट प्लेस बताने वाला हूँ दिल्ली के अंदर घूमने के लिए, 10 बेस्ट प्लेस। अगर आप कपल्स हो तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप फ्रेंड्स हो तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप फैमिली के अंदर रहते हो, घर परिवार में रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप सिंगल हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, भाई मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे रेडी कर ली अपनी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर बेस्ट कैफ़े आपको कहाँ मिलेंगे, कि भाई आपको कैफ़े में जाना है, थोड़ा मतलब टी वगैरह पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, टाइम स्पेंड करना है बैठ के, तो बेस्ट कैफ़े कहाँ पे होंगे। ठीक है, बेस्ट पार्क कहाँ पर होंगे, अगर आप कपल्स हो, अगर आप फैमिली में हो, पिकनिक मनाना चाह रहे हो, तो बेस्ट आपको पार्क कहाँ पर मिलने वाले हैं ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा वाटर पार्क, भाई गर्मी का सीज़न होता है तो वाटर पार्क हम तलाशते हैं, आपको ऐसा वाटर पार्क कहाँ मिलेगा जहाँ आपको, आप जहाँ पर मतलब आप स्लाइड्स भी कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, साथ ही में खाना भी मिलेगा, ऐसे वाटर पार्क मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। साथ ही में सब कुछ बताऊँगा कहाँ पर है, कितना रुपये होने वाले हैं, मतलब टिकट प्राइस वगैरह सब कुछ। उसके अलावा एडवेंचर पार्क में आप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई दिल्ली के अंदर एडवेंचर आप कहाँ कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अपनी वीडियो की। सबसे पहले जो मैंने लिस्ट में रखे हैं वो कैफ़े रखे हैं। देखो भाई, अगर आप कैफ़े में जाना चाहते हो, मतलब साथ में टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह खाने हैं, तो कैफ़े के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो है चंपा गली, जो कि साकेत में है। इसका पूरा मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप पूरा व्लॉग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी यहाँ की मैं लोकेशन वगैरह आपको बता देता हूँ। चंपा गली दिल्ली के साकेत में है। यहाँ पर आने के लिए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन साकेत का ही होने वाला है। ये जगह मेट्रो स्टेशन से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो आप ऑटो ले सकते हैं यहाँ पर आने के लिए। यहाँ के समय की अगर बात करें तो भाई ये जगह सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स कैफे मिल जाते हैं। भाई ये वाला रेस्टोरेंट देखो, यहाँ पर पूरा कार का व्यू दिया हुआ है, इसके अंदर बैठकर मतलब आप फूड अपना मतलब जो भी खाना पीना है खा सकते हो, ये भी काफ़ी। तो चंपा गली आप देखकर आ चुके हो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चंपा गली के बाद मैंने सेकंड नंबर पे जिसको रखाया हुआ मजनू का टीला। यहाँ पे भाई एक से एक बार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर से आप यमुना जी का नज़ारा देख सकते हैं, वहाँ पर से एक ब्रिज दिखाई देता है, सिग्नेचर ब्रिज, वहाँ से व्यू एक नंबर आता है। तो मजनू का टीला भी आप जा सकते हैं अगर आप कैफ़े तलाश हैं दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ दिल्ली का मजनू का टीला। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद आपको लगेगा कि आप तिब्बत में आ चुके हो। तो आइए पूरा मजनू का टीला घूमते हैं। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार, ये सब है, सब कुछ हम देखेंगे। पूरी यहाँ की जो मार्केट है तिब्बत की वो भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, उसी के अलावा भी यहाँ की लोकेशन क्या है। तो आइए घूमते हैं और देखते हैं, सारी जानकारी ले लेते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर ये है पूरा मजनू का टीला। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर सामने, यहाँ पर इस साइड देखो, ये है मजनू का टीला। तो कम्प्लीटली यहाँ के बारे में जान लेते हैं एक बार। फिलहाल के समय में ऑफिशियली इस जगह को अरुणा नगर के नाम से जाना जाता है। तो भाई अगर आपको भी यहाँ तक आना है तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विधानसभा, विधानसभा मेट्रो स्टेशन से मजनू का टीला तक की, देखो शोर कितना हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, ये जो मंदिर है ना उसके अंदर पूजा वगैरह हो रही, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो विधानसभा मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक की जो दूरी है 2 किलोमीटर की है, और वहीं से आपको मतलब विधानसभा मेट्रो स्टेशन से रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे जिसका चार्ज होगा आपका 20 रुपीज़। तो चलिए अब करते हैं इस ब्लॉग को शुरू और कम्प्लीटली यहाँ के बारे में जानते हैं और देखते हैं कैसे जगह एक्सप्लोर करते हैं। भाई ये है इसका मेन गेट, यहाँ से चलेंगे अंदर, लिखा हुआ है न्यू अरुणा नगर कॉलोनी। तो यहाँ से चलते हैं अब अंदर, लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, चलते हैं अंदर। अगर एंटर होते ही मतलब चारों तरफ मार्केट दिखाई दे रही है, पूरी पूरा मार्केट प्लेस है। तो मेन जो यहाँ का अट्रैक्शन है वो ये है, जैसी मार्केट को हम क्रॉस करके आगे आते हैं तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये टेंपल है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर भी फोटो शूट में ही लगे हुए हैं। देखो जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो। तो भाई मजनू के टीले के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ रनवे फर्स्ट एरोप्लेन रेस्टोरेंट, जो कि एडवेंचर आइलैंड रोहिणी दिल्ली के अंदर है। तो आप यहाँ पर भी जरूर आइए, यहाँ पर आप लुत्फ उठा सकते हैं एक जहाज के अंदर बैठकर खाने का। तो देखिए
अगर यहाँ तक अगर आपको आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका पड़ेगा रिठाला, और रनवे की जो अंदर की एंट्री के टिकट चार्जेस है वो 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलते हैं, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, टिकट लेते हैं अंदर रनवे की। तो विक्रांत भाई फिलहाल टिकट ले रहे हैं। तो भाई ले चुके हैं हम अपनी टिकट। तो भाई इसके बारे में जानना है आपको तो ये पढ़ लेना। तो भाई टिकट ले चुके हैं, फिलहाल चलते हैं अंदर, देखते हैं आपको, दिखाते हैं आपको। ये लो भाई, सामने हमारा रनवे है, एरोप्लेन रेस्टोरेंट। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है, चल के ऊपर कम्प्लीटली दिखाएंगे आपको। तो ये रहा एरोप्लेन हमारा, रनवे फर्स्ट। चलते हैं सामने, क्रिसमस ये बढ़ते हैं। पार्क की अगर बात करें, अगर आप कपल्स हो तो भाई नंबर वन जो दिल्ली के अंदर पार्क है वो है गार्डन ऑफ फाइव साइंस। ये कपल्स के लिए, मतलब ऐसा कह सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे तो 99% आपको कपल्स ही दिखाई देने वाले हैं। यहाँ का व्यू पार्क का बहुत अच्छा है, आप फोटो क्लिक कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो कपल्स के लिए अच्छा है। बाकी सब जा सकते हैं ऐसे तो, बाकी ज़्यादा कपल्स ही होते हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं शांत होता हूँ और यहाँ पे देखो बर्ड्स की आवाज़ फील करो। तो भाई अगर यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो है साकेत। साकेत से ही आपको ऑटो मिल जाएगा, ऑटो आपको 30-30 रुपये में मिल जाएगा, यहाँ पर तक आप इजीली आ सकते हो। यहाँ की टाइमिंग की अगर बात करें तो भाई समर में यानी कि गर्मियों के टाइम में यहाँ की जो टाइमिंग है वो होती है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, और सर्दियों में ही विंटर के टाइम में होती है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, और रोज़ ओपन रहता है ये, हफ्तों के 7 दिन ये खुला रहता है। तो ये बात अगर यहाँ के टिकट प्राइस की करें तो भाई एडल्ट के हैं 35 रुपीज़, 35 रुपये, चिल्ड्रन के हैं 15 रुपीज़, 15 रुपये, और सीनियर सिटीज़न के भी 15 रुपये हैं। उसी के अलावा अगर आप फैमिली से हो और आपको पिकनिक मनानी है तो नेहरू पार्क आपके लिए अच्छा होने वाला है। बहुत सुंदर ये पार्क है, बहुत प्यारे यहाँ पे व्यू है पार्क का, और यहाँ पे कपल्स भी मतलब जाते हैं काफ़ी। तो अगर आप कपल हो तो वो मतलब आप देख सकते हो हमारा वो नेहरू पार्क का व्लॉग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भाई, सारी मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। तो दिल्ली का नेहरू पार्क रामनगर के अंदर चाणक्यपुरी में है, और यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग आपको मिलने वाली गेट नंबर 2 पर, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। यहाँ पे आने का सबसे करीबी जो मेट्रो स्टेशन है वो है लोक कल्याण मार्ग का, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आप चाहो तो वॉक करके आ सकते हो या कैब वगैरह करके ईजिली आ सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर आने के लिए सबसे करीबी जो बस स्टैंड है वो है अशोक होटल का। यहाँ की अगर समय की बात करें तो भाई गर्मियों में ये पार्क सुबह 5 बजे खुल जाता है, रात को 8 बजे बंद होता है, और सर्दियों में ये पार्क सुबह 6 बजे खुलता है और रात को 8 बजे बंद होता है। यहाँ पर आने के लिए कोई भी टिकट प्राइस की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप आ सकते हो। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट प्लेस घूमने के लिए मिलते रहे। उसके अलावा अगर आपको भाई पिकनिक मनानी है तो सुंदर नर्सरी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सुंदर नर्सरी का भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ जाते हैं, मतलब 90% लोग यहाँ पिकनिक मनाने ही जाते हैं, और नेहरू पार्क में भी मतलब पिकनिक मनाते ज़्यादातर लोग, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। तो भाई सुंदर नर्सरी की लोकेशन की बात करें तो भाई ये दिल्ली के निज़ामुद्दीन में है, अपोजिटली हिमायत टॉम्ब, यानी हिमायत टॉम्ब इसके बिल्कुल बगल में ही है। यहाँ पर आने के लिए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन होने वाला है JLN स्टेडियम, यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। वहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हैं ऑटो लेकर। टिकट प्राइस की अगर हम बात करें तो 40 रुपये हैं, ये रही मेरे पास टिकट। वाटर पार्क की अगर बात करें तो ये वाटर पार्क दिल्ली में नहीं है, पर दिल्ली से ये बिल्कुल बगल में है, कोई बहुत दूर नहीं है। तो वाटर पार्क ऐसे हैं जहां आपको खाना भी मिलने वाला है। तो पहला वाटर पार्क है फन एंड फूड वाटर पार्क, जो कि दिल्ली में कापासहरा के पास है, कापासहरा में है। यहाँ पे मतलब आपको बहुत सुंदर सुंदर स्लाइड्स मिलती है। सुंदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप स्लाइड में जाते हो ना तो इतना अच्छा अंदर का व्यू होता है स्लाइड का, बहुत अच्छी स्लाइड यहाँ की होती है, खाना भी मिलता है साथ ही में आपको।
बात यहाँ की लोकेशन की कर लेते हैं। यहाँ की जो लोकेशन है वो है कापासेरा, कापासेरा न्यू दिल्ली। और यहाँ पर जो आप ये रोड देख रहे हो, ये रोड है ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड। कि अगर पार्किंग की बात करें तो कार पार्किंग है 50 रुपीज़ और बाइक पार्किंग है 30 रुपीज़। और अगर आप भाई मेट्रो आना चाहते हो तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है द्वारका सेक्टर 21। मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद आप यहाँ तक आने के लिए ऑटो ले सकते हो, मिनी बस के थ्रू आ सकते हो, उसके अलावा गवर्नमेंट बस जो होती है ऑरेंज ग्रीन वाली वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सामने है टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ की टाइमिंग भी बता देता हूँ। यहाँ की टाइमिंग है 10:00 से 7:00 तक। तो अब चलते हैं आगे और पता करते हैं कि टिकट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पर ये है कपल्स, तो कपल्स की जो टिकट है वो है 1880 यानी 1880 रुपये। और स्टैग एंट्री यानी कि बॉय है अगर तो 1180, और अगर चाइल्ड है आपके साथ तो 590 590। यहाँ पर सामने आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये एक स्केल लगा हुआ है जिसमें आपका टिकट प्राइस से रिलेटेड ये बताता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड बिलो फ्री, तो 33 सेंटीमीटर से अगर आपके बच्चे की हाइट नीचे है तो आपके चिल्ड्रन जो बच्चा है उसका बिल्कुल फ्री एंट्री होगी। और अगर इससे ऊपर है तो भाई वो चाइल्ड में आ जाएगा, तो उसका चाइल्ड वाला टिकट प्राइस लगेगा। और अगर 54 सेंटीमीटर से ऊपर आपके बच्चे की हाइट है तो वो एडल्ट में आएगा, एडल्ट वाला टिकट प्राइस लगेगा। उसके अलावा फन टाउन जो कि बहादुरगढ़ के अंदर है, तो वहाँ का ही मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो इनकी जानकारी मैं देता हूँ आपको। और भाई यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें तो भाई सामने यहाँ पे आप ये रोड देख रहे हो ना, ये रोड है दिल्ली रोहतक रोड, हाईवे है ये। और एग्जैक्ट यहाँ की लोकेशन की बात करें तो भाई ये बहादुरगढ़ के अंदर असोदा मोड़ पर है ये जो वाटर पार्क है। बाकी ये आप देख रहे हो पूरी ये पार्किंग है, यहाँ पर ये फ्री पार्किंग है और आपके खुद के रिस्क पर ये होने वाला है। और भाई यहाँ पर आने के लिए सबसे करीब जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है बहादुरगढ़ सिटी का, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। अगर आप बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन पर आते हो तो नीचे से आपको बस मिल जाती है जो कि आपसे 20 रुपये लेती है और आपको यहीं बाहर छोड़ देती है। थोड़ा सा आपको 100 मीटर वॉक करके आना होता है और इजीली आप यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे करीब बस स्टैंड की बात करें तो भाई बहादुरगढ़ के अंदर ही है असोदा मोड़, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है, बाहर ही है मतलब रोड पर ही असोदा मोड़ यहाँ का सबसे करीब बस स्टैंड है। भाई यहाँ पे टिकट काउंटर भी मैं आपको टिकट वगैरह बता देता हूँ, यहाँ की टाइमिंग बता देता हूँ, तो आइए जान लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो ये आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर 10:00 वाटर पार्क खुल जाता है और 5:00 तक खुला रहता है, डेली ओपन होता है ये। टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ आप सामने टिकट प्राइस देख सकते हैं, तो टिकट प्राइस मतलब ये तीनों का है, वाटर पार्क का, एडवेंचर पार्क का, एम्यूजमेंट पार्क का। तो यहाँ पे एडल्ट के आप देख सकते हैं जिनकी हाइट होने वाली है 4.5 फीट से मतलब ऊपर, उनकी 1150 हैं। बच्चों की जिनकी हाइट मतलब यहाँ तक होने वाली है 4.5 फीट तक, तो उनके 700। और कपल के होने वाले यहाँ पे 2000 रुपये। बाकी कौन कौन से अंदर हमें राइड वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह मिलने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग होने वाली है यहाँ पे मतलब ये टिकट के अंदर ही, इसका अलग से पैसा नहीं देना आपको। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है 9:30 से 11:30, जिसमें हमको कर्ड, हलवा, टी, पिकल ये सब मिलने वाला है। ठीक है, लंच की टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या मिलने वाला है लंच में, स्नैक्स में क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, बाकी फार्म फ्रेश और कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें खाने के लिए मिलने वाली है, मक्के की रोटी वगैरह, मतलब काफ़ी बढ़िया ये जगह होने वाली है। बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, एडवेंचर राइड, एम्यूजमेंट राइड लिखी हुई है यहाँ पर, गेम्स वगैरह, विलेज के अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो सब लिखी हुई है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो लिखा हुआ है चिल्ड्रन बिलो द हाइट ऑफ 3 एडमिटेड फ्री। तो यहाँ पर क्या है ना, जिन बच्चों की हाइट 3 फीट से नीचे है ना वो फ्री है बिल्कुल। देखो इन्होंने स्केल भी लगाया हुआ है, यहाँ से नापेंगे पहले ये, मेजरमेंट लेंगे पूरा, तो उसके बाद बच्चों को मतलब फ्री हो जाएगा हाइट नीचे हुई 3 फीट से। तो देखो पूरा गोल गोल घूमते हुए जाने वाली है सांप की तरह। तो चलते हैं मैजिक ट्विस्ट के अंदर, देखते हैं कितना मजा आने वाला है इसमें। बड़ा तेज है, बहुत तेज है ये तो। बहुत तेज आए, तो बहुत तेज भाई साहब, यार सेकंडों में नीचे आ गया। तो भाई मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है दोनों वाटर पार्क के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं भाई एडवेंचर पार्क के बारे में। कि भाई आपको एडवेंचर करना है तो आपके लिए बना हुआ है ईओडी एडवेंचर पार्क, जो कि भाई मयूर विहार के अंदर है। उसका पूरा व्लॉग मैंने बनाया, आइए उसकी पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ कि अब यहाँ का टिकट क्या है, कितनी आगे एक्टिविटीज वगैरह सारी जानकारी। गिराओ 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 गिराओ, गिरा दो गिरा दो। ये लो एक तो गिर गई, वो गई गई क्या भाई साहब। 1 2 3 हेडशॉट लगाओ, ये देखो। हाँ जंपिंग मत करो, पैर नीचे निकल जाएंगे फिर तुम भी निकल जाओगे।
play with me like cats and a string. सबसे पहले यहाँ की लोकेशन की बात करें तो ये है मयूर विहार संजय लेक जो कि है न्यू दिल्ली में, और एंटर होते ही आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे जाएगी पार्किंग। ये है यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग और यहीं पर ये है फोर व्हीलर की पार्किंग जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर भाई आप मेट्रो आना चाहते हो तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है त्रिलोकपुरी संजय लेक। त्रिलोकपुरी संजय लेक से यहाँ तक की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। मेट्रो से यहाँ तक आने के लिए आपको रिक्शा भी मिल जाएगा नीचे ही मेट्रो स्टेशन पर ही। तो अंदर चलते हैं और टाइमिंग वगैरह पता करते हैं, टिकट वगैरह पता करते हैं। तो वहाँ पे सामने वो टिकट काउंटर है, चलते हैं और देखते हैं टिकट प्राइस क्या है। और भाई यहाँ पे टिकट प्राइस की बात करें तो भाई यहाँ पे दो कॉम्बोज हैं, एक है एडल्ट के लिए और एक है किड्स के लिए। तो पहले जो एडल्ट वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन अबव 4 फीट, तो 4 फीट से जो भी ऊपर है उन सब के लिए टिकट प्राइस है। तो यहाँ पे दो लिखा हुआ है, एक वीकेंड लिखा हुआ है और एक वीकडेज लिखा हुआ है। तो वीकडेज में यहाँ पर है मंडे से फ्राइडे और वीकेंड में सैटरडे संडे। तो टाइमिंग यहाँ की देखो लिखी हुई है ऊपर ही वहीं पर ही, 11 से रात के 8 बजे तक की यहाँ की टाइमिंग होने वाली है ऑल डेज। यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है एक्सप्लोरर कॉम्बो, उसके बाद दिखाई दे रहा है यूनिकॉर्नर कॉम्बो, उसके बाद किलर कॉम्बो, और उसी की साइड में आप देख सकते हो वीकेंड वाले भी आपको दिखाई देंगे, एडवेंचर कॉम्बो, अनलिमिटेड कॉम्बो और सुप्रीम कॉम्बो। तो ये सब है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो है एक्सप्लोरर कॉम्बो सबसे जो बेसिक है 200 रुपीज़ में, जिसमें हमें बॉलिंग मिलने वाली है, आरसी मिलने वाली है, बोर्ड गेम्स मिलने वाली है, ट्री टॉप कोर्स मिलने वाला है, बोटिंग, डार्ट्स, रेन डांस, ये सब मिलने वाला है। और वहीं नीचे आप देखोगे अगर ध्यान से तो लिखा हुआ है ऑल ऑफ एक्टिविटीज़ अवेलेबल वन टाइम ओनली। और ये 200 में जितनी भी एक्टिविटी मिलेंगी ना सारी वन टाइम है ओनली। उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जो 300 वाला कॉम्बो है उसमें हमें मिल रही है कुछ 7 यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ मिलने वाली है, जिसमें बोटिंग हमें मिलेगी वन टाइम, जिपलाइन वन टाइम मिलेगी, और रिमेनिंग जो एक्टिविटी है वो सारी अनलिमिटेड है। उसके बाद नीचे हमारा 400 वाला आता है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है वन टाइम एक्टिविटी क्या क्या है और अनलिमिटेड क्या क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर आप सुप्रीम लेते हो ऑल ऑफ एक्टिविटीज़ वन टाइम ओनली, जो यहाँ पे है ना वीकेंड वाले में अगर आप आते हो इस वाले में, तो इसमें सारी ही एक्टिविटी आपको वन टाइम मिलेगी, क्योंकि वीकेंड में अभी क्राउड हो जाता है तो इसलिए वन टाइम ही रखा है इन्होंने सब कुछ ही। बाकी जो किड्स के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ है ना वो 150 में आपको मिलेंगी। किड्स के लिए इन्होंने अलग से एक पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पे किड्स इन्जॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, तो जिसमें किड्स को मिलने वाला है किड्स फन जोन, रेन डांस, बंजी टम्पलिंग, बोटिंग, जंगल हाउस, ये सब मिलेगा किड्स के लिए। और भाई जो लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे जिप साइकिल करें आकर, तो भाई अगर आपका वेट 75 से ऊपर है तो आप जिप साइकिल नहीं कर सकते, उसके नीचे अगर आपका वेट है तो आप कर सकते हो। बाकी कुछ और बातें हैं वो भी आप देख लीजिए। टिकट इज़ टोटली नॉन रिफंडेबल, तो भाई टिकट आपको वापस नहीं मिलेगी। DSLR अगर आप लेकर आना चाहते हो तो 500 चार्ज है। जिपलाइन जो है उसके अंदर आपका जो वेट है 100 kg लगभग होना चाहिए, अगर इससे ऊपर है तो आप नहीं जा सकते जिपलाइन में। जिपलाइन में जो साइकिल में है आपका वो 75 kg वेट होना चाहिए। बाकी आउटसाइड फूड यहाँ पर अलाउड नहीं है। आगे यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है कि अगर आप टिकट की फोटोकॉपी कराते हो तो भाई तो ये सब आप चला के यहाँ पर नहीं कर सकते, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। एक टिकट लोगे तो एक ही एंट्री मिलेगी। आगे यहाँ पर आप सामने देख रहे हो एनुअल पास भी आप ले सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड राइड्स, अनलिमिटेड विजिट, अनलिमिटेड फन, वो आपका होगा 1500 में। तो भाई बढ़िया है, जिसको ये वाला लेना हो ये भी ले सकता है, 1 साल तक आओ मजे करो। बाकी आपको यहाँ पे लॉकर भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर आपको अपना बैग वगैरह रखना हो तो 50 रुपीज़ उसका चार्ज है। तो उम्मीद है भाई आपको मतलब EOD एडवेंचर पार्क की सारी जानकारी मिल गई होगी। अब नंबर 1 पे जो एडवेंचर पार्क है मतलब इसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता दिल्ली के अंदर, इतना बढ़िया ये है। और यहाँ जब भी जाओ वहीं तभी भीड़ मिलती है, ऐसा ही है मतलब एडवेंचर पार्क है, लोगों को इतना ये पसंद आता है। इसका नाम है एडवेंचर आइलैंड जो कि दिल्ली के अंदर है रोहिणी में। तो ये एडवेंचर आइलैंड ऐसा है मतलब वाटर स्लाइड भी है काफ़ी, 2-4 है कुछ, जिसको मतलब स्प्लैश डंक वगैरह, और यहाँ पे रेन डांस वगैरह भी है। उसी के अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं जहाँ आप मज़े कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ की लोकेशन की बात करें तो भाई एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में सेक्टर 10 में है। पार्किंग की बात करें तो यहाँ पे आप ये सामने देख रहे हैं ना, यहाँ की ये पार्किंग है। और पार्किंग चार्ज की बात करें तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं कार के हैं 40 रुपये, बाइक के हैं 30 रुपये, और वीकेंड में 10-10 रुपये बढ़ जाते हैं। कार के 50 हो जाते हैं और बाइक के 40 हो जाते हैं। और यहाँ का जो सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है वो है रिठाला का, जो कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। वहाँ से यहाँ तक आप वॉक करके भी आ सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पर खाना अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर सामने से हमने एंट्री ली है और इसके लेफ्ट साइड में आपको टिकट मिल जाएगी। तो टिकट लेते हैं और आपको बताते हैं कि भाई टिकट चार्ज क्या है और टाइमिंग भी बताता हूँ।
टिकट प्राइस आप यहाँ सामने देख सकते हैं, 700 रुपये टिकट पहले हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रहा है जिस वजह से यहाँ पर वीकडेज में होने वाली है 400 रुपये और वीकेंड्स में होने वाली है 500 रुपये। वीकडेज का मतलब है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और वीकेंड्स का मतलब है शनिवार और रविवार यानी सैटरडे और संडे। 90 सेंटीमीटर से अगर आपके बच्चे की हाइट कम है तो फ्री होने वाला है वो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी राइड अभी यहाँ पर ऑन है, तो 16 राइड यहाँ पर आप कर सकते हैं टोटली। ये वाला आप एरिया देख रहे हो, ये एडवेंचर आइलैंड के बाहर का एरिया है जिसको मैटर वॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब कोई एंट्री के चार्ज नहीं होता, फ्री में आप यहाँ पे घूम सकते हैं आके। बाकी एडवेंचर आइलैंड में अगर आपको जाना है तो उसका टिकट लगता है। और भाई बात यहाँ की टाइमिंग की करें तो एडवेंचर आइलैंड सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। बाकी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो ना एक ट्रेन आ रही है, हॉर्स ट्रेन आ रही है एक, तो ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। हॉर्स हो गया, ट्रम्पलिन हो गया, मिकी माउस हो गया, काफ़ी कुछ यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे छोटा मोटा। तो यहाँ से एंट्री चलते हैं अंदर, तो अंदर एंटर होते ही लिखा हुआ है वेलकम एडवेंचर आइलैंड। जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, सबसे पहले हमको यहाँ पर ये एक ब्रिज दिखाई देता है जहाँ पर एक टावर भी लगा हुआ है, तो इसी ब्रिज को हमें क्रॉस करके जाना है और सामने हमें एडवेंचर आइलैंड काफ़ी राइड्स दिखाई देंगी। तो फाइनली हम एंटर हो चुके हैं एडवेंचर आइलैंड के अंदर, अब यहाँ से हमारी राइड्स स्टार्ट हैं। तो अब हम एक एक करके सारी राइड्स इंजॉय करेंगे। और तो ये सारी मतलब मैंने बेस्ट प्लेस आपको दिल्ली के अंदर की बता दी हैं, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। उसी के अलावा कुछ लोग मतलब फार्म्स तलाशते हैं कि बेस्ट फार्म कहाँ पर है, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है बेस्ट फार्म हाउस इन दिल्ली NCR, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप फार्म हाउस जाना चाहते हो, क्योंकि फार्म बहुत बढ़िया होते हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ मिलती हैं, फूड मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सारी वीडियोज़ का, जाके जरूर देख रहे हैं। चैनल पर आए थे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और पे क्लिक कर लेना ताकि बढ़िया बढ़िया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चैनल जाके आप चेक कर सकते हैं, जाके देखो बहुत बढ़िया वीडियोज़ हैं, तो उम्मीद है पसंद आएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।